मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका द करंट अफेयर्स शो और आज डेट है 23 अप्रैल 2019। तो चलिए 23 अप्रैल 2019 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब अभी हम लोग कवर करेंगे। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 23वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका कैमा संस्करण आयोजित हो रहा है, तो इसका 23वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। और वो आयोजित हो रहा है 21 अप्रैल 2019 से, ठीक है, यानी 21 अप्रैल से ये आयोजित होना चालू हो गया है। अब आपको ये बताना है कि कहाँ आयोजित हो रहा है। ये आयोजित हो रहा है दोहा में। कहाँ आयोजित हो रहा है? दोहा में, कतर, दोहा, आप जानते हो कतर, ठीक है, कतर की राजधानी है दोहा, तो वहीं पर ये आयोजित हो रही है। और 4 दिनों का ये कार्यक्रम है और इसमें टोटल 63 देश हिस्सा ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से संबंधित आईसीपी रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। क्या बोला जा रहा है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, आप इसका नाम याद रखना, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसको जिसमें क्या है, कैंसर से संबंधित आईसीपी रिपोर्ट है। वो क्या है? कैंसर संबंधित आईसीपी रिपोर्ट। ये आईसीपी रिपोर्ट क्या हुआ? ये हुआ इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस, ये हुआ आईसीपी। इसमें भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक है 19वां। कौन सा रैंक है? 19वां। टोटल 28 देश इसमें शामिल था और इसमें भारत का रैंक है 19वां। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है नीदरलैंड का। और तीसरा स्थान है जर्मनी का। और भारत का स्थान अगर बात करें तो ये है 19वां, ठीक है, 28 में से 19वां। और ये रिपोर्ट कौन सा था? आईसीपी रिपोर्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में गाइडेड मिसाइलों को ध्वस्त करने में माहिर किस आईएनएस युद्धपोत का जलावतरण किया है। तो कौन सा वो आईएनएस युद्धपोत है? वो है आईएनएस इंफाल। आईएनएस इंफाल कौन सा है? आईएनएस इंफाल। तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में आईएनएस इंफाल का समुद्र में जलावतरण किया है, ठीक है, और ये भी स्वदेशी है, यानी हम लोगों ने खुद से इसको बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आई एन जहाज कोलकाता यानी आईएनएस कोलकाता और शक्ति पीएलए नौसेना के 70वें वर्षगांठ समारोह के एक हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए किस देश में गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखो दो तीन चीजें हैं जिसको आपको समझना है और याद भी रखना है। सबसे पहला, INS कोलकाता और INS शक्ति भाग लेने के लिए गया हुआ है किस चीज में? तो PLA नौसेना के 70वें वर्षगांठ पर। अब यहाँ पे PLA आ गया। ये PLA क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। आप इसको नोट डाउन कर लो, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये चाइना के आर्मी का नाम है, ठीक है, चाइना के आर्मी का नाम क्या है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब नेवी लगा दिया, इसका मतलब उसके नेवी डिपार्टमेंट का। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, इसका 70वां वर्षगांठ है, यानी चाइनीज नेवी का 70वां वर्षगांठ है। और इसमें रखा गया कार्यक्रम क्या? अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू। इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, IFR, ठीक है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। इसमें भाग लेने के लिए कौन जा रहा है भारत की तरफ से? तो INS कोलकाता और INS शक्ति। क्लियर हो गया ये सारे चीजें? तो अब यहाँ पे मैंने सब चीज बता दी आपको। ये PLA है चाइना का आर्मी का नाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस देश में? तो चाइना में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। और इसका जो ये दोनों जहाज जो है INS है, ये कहाँ पे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा किंद दाओ, ठीक है, किंद दाओ। कहाँ पे? किंद दाओ, ये आप नाम याद रख लो, किंग दाओ, ठीक है, किंग दाओ में ये दोनों पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन ने कॉफी विद करण बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन ने कॉफी विद करण विवाद को लेकर क्रिकेटर के एल राहुल और किस क्रिकेटर पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, ये बहुत ही विवादित एक मुद्दा रहा था कॉफी विद करण में, जो क्रिकेटर हमारे गए हुए थे तो वहां पे उन्होंने कुछ विवादित बयान दिया हुआ था। ठीक है, अब आपको ये बोला जा रहा है कि कौन सा वो दो क्रिकेटर है, सबसे पहला तो हो गए केएल राहुल और दूसरा कौन सा है, हार्दिक पांड्या। आपको पता होगा कि ये बहुत ही विवादित रहा था। ठीक है, तो इन दोनों पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, किसके द्वारा, तो बीसीसीआई के लोकपाल के द्वारा। अब यहां से एक और पॉइंट बनता है कि बीसीसीआई के लोकपाल हैं कौन, तो ये हैं डीके जैन। कौन है, डीके जैन। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने को लेकर भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस वीरता सम्मान पुरस्कार की सिफारिश की है, कौन सा है वो है वीर चक्र, यानी अभिनंदन को वीर चक्र मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, ऐसा कहा गया है हमारे भारतीय वायुसेना के डिपार्टमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 2008 बीजिंग ओलंपिक्स के 15,000 मीटर रेस के चैंपियन एसबेल किपरोप पर कितने साल का बैन लगाया गया है, कितने साल का बैन लगाया गया है, यह है 4 साल का। यानी नाम क्या है, नाम इनका एसबेल किपरोप, एसबेल किपरोप। ये 15,000 मीटर रेस के विजेता रहे हुए हैं लेकिन डोप टेस्ट में ये फेल हो चुके हैं, इस कारण से इन पर कितने साल का, 4 साल का बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के मुताबिक देश भर के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 से जुड़ चुके हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है ये कितने हैं, ये हैं टोटल 20 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो 112 से जुड़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन विश्व भर में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं हर वर्ष 22 अप्रैल को, कब मनाते हैं 22 अप्रैल को हर वर्ष हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस, तो ये तो आपको पता ही होगा कि 22 अप्रैल को हर वर्ष हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस बार का थीम क्या है, इस बार का थीम है प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, क्या है, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, ठीक है, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, इस बार का थीम है प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। अब देखो ये पृथ्वी दिवस एक्चुअली में मनाना कब से स्टार्ट किया गया, यानी कब से हम लोग ये मना रहे हैं, ये मना रहे हैं 1970 से, कब से मना रहे हैं 1970 से, 22 अप्रैल को हर वर्ष हम लोग मनाते हैं, पर पहली बार शुरुआत किसने किया था, तो पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी एक अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन के द्वारा, क्या नाम था इनका, गेलॉर्ड नेल्सन, ठीक है, गेलॉर्ड नेल्सन ये एक अमेरिकी सीनेटर थे, इन्होंने ही 22 अप्रैल 1970 को ये मनाना स्टार्ट किया था। अब क्यों किया गया था, कुछ तो रीजन रहा होगा, एक्चुअली में देखो हुआ क्या था, 1969 में कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में तेल रिसर्व हुआ था जिसके कारण से बहुत अधिक बर्बादी हुआ था, ठीक है, और बहुत पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान भी पहुंचा था, और इस तेल रिसाव के कारण ऐसा माना जाता है कि लगभग 10,000 जो समुद्री जीव हैं वो मारे गए थे, और ये सब घटना हुआ था 22 जनवरी को, कब हुआ था 22 जनवरी को, तो इसके बाद समय बीतता गया और 22 अप्रैल 1970 को अभी मैंने आपको बताया नेल्सन ने इस पर एक स्टेप लिया, ठीक है, बहुत ही कड़ा स्टेप लिया, और उन्होंने इसको एक तरह से याद करने का कोशिश किया कि हर वर्ष हम लोग इस लॉस को याद करेंगे और इस दिन हम लोग पृथ्वी को संरक्षित करने का एक संकल्प लेंगे। तो नेल्सन ने 22 अप्रैल 1970 को लगभग 2 करोड़ अमेरिकी लोगों के साथ पृथ्वी दिवस मनाना चालू किया और तब से हम लोग हर वर्ष पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन दिवस पर निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता या जीते, तो अभी आपको मैंने बताया एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 21 अप्रैल को चालू हो चुका है, ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, अब शुरुआती दिन ही भारत ने 5 पदक जीत लिया, ठीक है, इसमें से 2 रजत पदक है, तो आपको ये बताना है कौन वो 2 खिलाड़ी हैं, तो वह अनुरानी और अविनाश सावले, ठीक है, ये सावले अविनाश सावले, अनुरानी और अविनाश सावले, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 1 और 2 दोनों। अनुरानी किस फील्ड से हैं, ये हैं जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से, और अविनाश सावले ये एक स्प्रिंटर है, ये क्या इन्होंने किस चीज़ में जीता, तो स्टीप लेचेस, क्या है स्टीप लेचेस, ये क्या होता है,
ये एक तरह का हर्डल रेस है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारा बीच में ऑब्स्टेकल्स डाल दिया जाता है और वहाँ आपको उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके रेस कंप्लीट करना होता है। ये जनरली हॉर्स रेसिंग से ये टर्म आया हुआ है। हॉर्स रेसिंग में ये होता है स्टीपलेचेस, ठीक है, वहीं से इसको एथलेटिक्स में भी शामिल किया गया है, तो हर्डल रेस आप बोल सकते हो इसको। तो अविनाश साबले ने उसमें रजत पदक जीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई, इस 4 घंटे के समारोह की अध्यक्षता किसने की थी। तो अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो 4 घंटे का एक समारोह हुआ, उसके आधारशिला को रखने वाला समारोह में, इसमें किसने इसकी अध्यक्षता की। तो महंत स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज किसने की, महंत स्वामी महाराज इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है कि जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में कुल जमा राशि जल्द ही 1,00,000 करोड़ रुपए के पार जाने को निर्धारित है। मोदी सरकार ने देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की, तो कब इसको शुरू किया गया था, इसको शुरू किया गया था 2014 में। जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में जो टोटल राशि है वह 1,00,000 करोड़ पार करने को है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 में, ठीक है। ये अभी से आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेना है, 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जनरल पीरज में प्रकाशित एक अध्ययन में डॉल्फिन द्वारा बनाई गई ध्वनि के डैश प्रकार की पहचान की गई है। तो डॉल्फिन द्वारा बनाया गया ध्वनि, यानी डॉल्फिन वो ध्वनि प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने ऐसे प्रकार हैं, ये 237 टोटल 237 तरह के ध्वनि डॉल्फिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका अध्ययन किया गया था और ये प्रकाशित किसमें हुआ, जनरल पीरज में, किसमें हुआ, पीरज में, ठीक है। और ये इस तरह का अपना ही अंदाज में एक अलग तरह का एक अध्ययन है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 237 विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का पहचान किया गया जो डॉल्फिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2019 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण 23 से 25 अप्रैल 2019 तक कहाँ होना निर्धारित है, कहाँ होगा, ये होगा नई दिल्ली में, ठीक है। तो मैं देखो बार बार बोलता हूँ, अगर इन सारे चीज़ों को आपको अगर इसमें रिस्क लेना है एग्जाम में भी, तो आप नई दिल्ली मार सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो इस तरह के सम्मेलन हैं वो नई दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि नई दिल्ली में ही हो, पर मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि BCCI के निमंत्रण पर IPL मैच में भाग लेने के लिए किस देश के राष्ट्रपति ने 21 अप्रैल 2019 को बेंगलुरु का दौरा किया। तो कौन से देश के राष्ट्रपति, वो है मालदीव के राष्ट्रपति। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, ये है इब्राहिम मोहम्मद, कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया हुआ था मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, ठीक है। इन्होंने BCCI के निमंत्रण पर IPL में हिस्सा लेने का प्लान बनाया और इन्होंने अभी हाल ही में बेंगलुरु का दौरा किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप किस देश में शुरू हुई, एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये किस देश में शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है चीन में। कहाँ शुरू हुआ है, चीन में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ठीक है। और यह प्रतियोगिता 28 अप्रैल 2019 तक जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2019 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की, तो किसने जीत हासिल की, ये है वोलोडिमिर जेलेंस्की, तो वोलोडिमिर जेलेंस्की ये हैं जिन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति चुनाव को जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में UGC के अध्यक्ष कौन है, UGC के अध्यक्ष। अब यहां से सिर्फ UGC आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, UGC का फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो UGC का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं DP सिंह। UGC के अध्यक्ष कौन है, DP सिंह।
अब देखो डीपी सिंह इसके अध्यक्ष तो हैं, लेकिन आपको यूजीसी के बारे में पता होना चाहिए इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन होगा 1956 में। कब इसका गठन हुआ? 1956। और एक्ट भी अगर पूछे तो 1956 के एक्ट के तहत, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और हेडक्वार्टर होने के साथ साथ इसके पास टोटल 6 रीजनल ऑफिसेस भी हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि टोटल इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं और एक हेडक्वार्टर है जो है न्यू दिल्ली में। और अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? डीपी सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में इग्नू के वीसी कौन है? इग्नू के वीसी अभी कौन है? यह है नागेश्वर राव। कौन है इग्नू के वीसी? नागेश्वर राव। इग्नू का फुल फॉर्म क्या होता है? इग्नू, ठीक है। इग्नू का फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये होता है इग्नू का फुल फॉर्म। और इसका गठन हो गया था 1985 में। और इसके चांसलर कौन है? अब देखो, अब जो भी यूनिवर्सिटीज वगैरह होते हैं, आप जानते हो चांसलर जिस स्टेट में वो यूनिवर्सिटी है उस स्टेट के गवर्नर जो होते हैं वो होते हैं उस यूनिवर्सिटी के चांसलर, ठीक है। एक स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं गवर्नर होंगे उन सभी के चांसलर। लेकिन ये तो नेशनल लेवल का है, तो इसके चांसलर कौन है? इसके चांसलर है प्रेसिडेंट, ठीक है। और वीसी है नागेश्वर राव। इन सारी चीजों को आप याद रखो। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? एनसीईआरटी इसके डायरेक्टर अभी कौन है? यह है ऋषिकेश सेनापति। कौन है? ऋषिकेश सेनापति। यहां से देखो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये होता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हो गया था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके डायरेक्टर अभी कौन है? ये है ऋषिकेश सेनापति। तो ये सारी चीजें हो गए। अब देखो एनसीईआरटी से आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पूछा जा सकता है। एक इसका लोगो, लोगो आप जानते हो एनसीईआरटी का वो हंस, लिपटा हुआ हंस होता है, ऐसा तीन हंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो वो लोगो कहाँ से लिया गया है? तो वो देखो वो अशोक के पीरियड का एक इंस्क्रिप्शन से लिया गया है, ठीक है। कहाँ, कौन सा इंस्क्रिप्शन? तो वो आपका जो मास्की अभिलेख है, ठीक है, मास्की अभिलेख, मास्की इंस्क्रिप्शन से वहीं से उसको लिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का जो लोगो है वह मास्की इंस्क्रिप्शन से जो कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, वहां से लिया गया है। और उसका मोटो, एनसीईआरटी का मोटो क्या होता है? मोटो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मोटो इसका क्या होता है? ये होता है विद्या अमृतम, अमृतम सूत्रे, शायद यही होता है, ठीक है, विद्या अमृतम सूत्रे, विद्या अमृतम सूत्रे, ये होता है इसका मोटो। आप अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, विद्या अमृतम सूत्रे, ये होता है इसका मोटो। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग, लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग, ये होता है इसका मीनिंग। और ये लिया कहाँ से गया है? ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लिया गया है ईसा उपनिषद से, ईसा उपनिषद से, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करके जरूर रख लेना। कहाँ से लिया गया इसका मोटो एनसीईआरटी का? ईसा उपनिषद से। और इसका लोगो लिया गया अशोक के मास की अभिलेख से, ठीक है। ये दो चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। और अभी इसके डायरेक्टर कौन है? अभी इसके डायरेक्टर है ऋषिकेश सेनापति। चलिए अब देखते हैं, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर, उसका सही आंसर है कैसे नहीं। कल मैंने आपको पूछा था अभी शनि ग्रह के चांद पर, चांद टाइटन पर मिथेन का गहरा झील मौजूद है, इसका पता लगाया गया है किस मिशन के द्वारा? तो ये है कैसिनी के द्वारा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है जो आपको कमेंट में आंसर करने हैं वो ये है कि निम्नलिखित में से किस महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट में करने हैं, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।